शुक्रवार को होने वाले पंचायती राज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्थितियों का जायजा लेने हेतु वे शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाधिकारी नंदलाल रणवा के निर्देशानुसार बनेड़ा कस्बे में पुलिस के जवानों द्वारा रूट मार्च किया गया। रूट मार्च का उद्देश्य क्षेत्र में चुनावी माहौल में जनता भयमुक्त होकर आश्वस्त हो मतदान कर सके और शांति व्यवस्था बनी रहे। मानलगढ़ तहसील की सरथला ग्राम पंचायत के सुई गांव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें फाइनल मुकाबला सुई वर्सेस बनुदनी के बीच खेला गया, जिसमें प्रथम विजेता सुई रही, जिसमें 51,000 नगद पुरस्कार दिया व ट्रॉफी दी गई। द्वितीय विजेता टीम बनुदनी रही, जिससे 21,000 रुपए व ट्रॉफी दी गई। समापन समारोह में ग्राम पंचायत सरथला के सरपंच प्रत्याशी राधेश्याम कंजर, राजू कंजर, चीतू कंजर, घनश्याम, दिनेश राजकुमार, सभी नवयुवक मंडल के युवा मौजूद रहे। जहाजपुर क्षेत्र के छोटी पुष्कर के नाम से विख्यात थोड़ महादेव मंदिर में वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला इस बार कोरोना महामारी के चलते निरस्त किया गया है। राज्य सरकार के कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसको देखते हुए उपखंड अधिकारी जहाजपुर ने तहसीलदार और थानाधिकारी की रिपोर्ट पर एक आदेश जारी करते हुए पूर्णिमा पर लगने वाले मेले पर पूरी तरह से रोक लगा दी। रायला बनेड़ा उपखंड के रघुनाथपुरा विद्यालय में सरस्वती प्रतिमा स्थापित की गई। उपखंड क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापिका आशा सोमानी द्वारा सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान आर्थिक मंदी के चलते लायंस क्लब सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल जहां एक निःशुल्क सिलाई क्लासेस चला रही हैं, वहीं अब जरूरतमंद गरीब महिलाओं को मास्क बनाना सिखाकर उन्हें मास्क बनाने का काम देकर रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। डॉक्टर उषा अग्रवाल के पास 2 गज दूरी मास्क से जरूरी अभियान के दौरान प्रतिदिन एनजीओ के मास्क वितरण की मांग को देखते हुए हजारों की तादाद में मास्क बनाने के ऑर्डर आ रहे, जिनको पूरा करने के लिए डॉक्टर उषा अग्रवाल ने गरीब महिलाओं को अपनी तरफ से कपड़ा एवं मशीनें उपलब्ध कराकर मास्क बनाने का कार्य शुरू किया है, जिससे महिलाओं को न केवल कार्य उपलब्ध हो रहा है अपितु उनकी कमाई भी हो रही है। रोजगार मिलने से महिलाओं में उत्साह का माहौल है। महाविद्यालय में गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान विषयक वार्ता का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर अनु कपूर की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से 7:30 से 8 बजे किया गया। कार्यक्रम सचिव शोभा गौतम ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार गोयल, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़ डॉक्टर भावना पोखरना, सह आचार्य मीरा कन्या राजकीय महाविद्यालय उदयपुर एवं डॉक्टर नरेश कुमार भारी सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय तारानगर रहे। डॉक्टर राजकुमार गोयल द्वारा संविधान के अर्थ एवं संविधान के निर्माण पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर भावना पोखरना द्वारा छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर नरेश कुमार भारी द्वारा वर्तमान संदर्भ में स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन राजनीति विज्ञान विभाग अध्यक्ष शोभा गौतम द्वारा किया गया। राला थाना क्षेत्र के सरेरी ग्राम पंचायत में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राजू कुमावत की दादी उग्मी देवी कुमावत को अपना वोट दिलवाने के लिए व्हीलचेयर पर पहुंचाया गया था। वहीं प्रधान पद के लिए वार्ड नंबर 11 से दावेदार और चौकोणीय चुनाव मुकाबले में पूर्व उप जिला प्रमुख कजमल जाट के पुत्र प्रमोद जाट कांग्रेस उम्मीदवार तथा भाजपा मंडल के पूर्व जगदीश जाट भाजपा उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार गढ़वालों का खेड़ा पंचायत के निवासी तथा निर्दलीय उम्मीदवार राजू कुमावत स्थानीय पंचायत सरेरी का है तथा एक अन्य गुर्जर भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। कुरियन की जयंती पर भीलवाड़ा दुग्ध संघ द्वारा संघ कार्यालय में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह आयोजित किया गया। डेयरी प्रबंधक आशा शर्मा ने बताया कि समारोह में दूध एवं दूध उत्पादों के उपभोग पर जागरूकता संदेश के साथ श्वेत क्रांति के जनक कुरियन के डेयरी उद्योग की प्रगति में दिए योगदान पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित उक्त वर्चुअल समारोह का प्रदर्शन समस्त सहभागियों द्वारा देखा गया। एनडीडीबी द्वारा राजस्थान राज्य को मिले 3 पुरस्कारों में भीलवाड़ा दुग्ध संघ की कमलियास महिला डेयरी की सदस्य नारायणी देवी को पारितोषिक मिलने पर बधाई दी गई। समारोह में वर्ष 2019-20 की अवधि में जिले में सर्वाधिक मात्रा में दूध संकलन करने वाली दुग्ध समितियों के अध्यक्ष व सचिव को पारितोषिक प्रदान किए गए। संविधान दिवस के आयोजन में समस्त सहभागियों को भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन कर शपथ दिलाई गई।